Hello students, welcome back to VIIT YouTube channel. As I told you, I will be taking your car lecture. This is your subject, car, and today we are going to study about memory instruction registers. जो basic computer होता है उसमें आपके 16-bit instruction registers होते हैं जो हम जो denote करते हैं मेमोरी रेफरेंस को या रजिस्टर रेफरेंस को या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को. मेमोरी रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं. मेमोरी दीज इंस्ट्रक्शंस रेफर टू मेमोरी एड्रेस एज एन ओपरेंड. ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मेमोरी एड्रेस को रेफर करते हैं एक ओपरेंड की तरह. जो दूसरा ओपरेंड होता है वो एक्यूमुलेटर होता है. वो स्पेसिफाई करता है 12-bit एड्रेस को, 3-bit ऑपकोड को और 1-bit एड्रेस मोड को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए. इस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर. नंबर टू है
CLE का हेडर डेसिमल कोड है 7400, ये क्लियर करेगा E के ओवरफ्लो बिट को। फिर आपका CLA, इसका हेडर डेसिमल कोड है 7200 जो कॉम्प्लीमेंट करेगा इस कोड। फिर आपका CME, जिसका हेडर डेसिमल कोड है 7100, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा E को। फिर है आपका CIR, जिसका हेडर डेसिमल कोड है 7080, जो सपोर्ट करेगा AC से A के बीच में। फिर आपका CIL, जिसका हेक्सा डेसिमल कोड है 7040, जो सबमिट करेगा लेफ्ट एसी और ई के बीच में। INC 7020 इंप्लीमेंट करेगा एसी को। SPA स्किप करेगा, SLA स्किप करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अगर एक्युमुलेटिव वैल्यू 0 से लेस होगी। फिर आपका SLA, जिसकी वैल्यू हेक्सा डेसिमल कोड है 7004, ये स्किप करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अगर एसी 0 है। फिर SLD, जिसका हेक्सा डेसिमल कोड है 7002, ये स्किप करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अगर ई 0 है। HLD 7001, ये हॉल्ड करेगा कंप्यूटर को। INP 8800, ये इनपुट कैरेक्टर देगा एसी को। OUT आउटपुट कैरेक्टर देगा एसी को। SKI स्किप ऑन इनपुट फ्लैग करेगा, SKO स्किप ऑन आउटपुट फ्लैग करेगा। IOI इंटरप्ट ऑन करेगा, IOF इंटरप्ट को ऑफ करेगा। तो जो आज का बेसिकली लेक्चर है उसमें सिर्फ इतना ही अभी लेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज, आई विल सॉल्व देम योर प्रॉब्लम्स इन दी एज सून एज पॉसिबल। आपको कुछ भी क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा है तो नोट्स अटैच करके दिए जाएंगे। टिल देन यू कम्प्लीट दिस, आप इन्हें वीडियो पर एंड तक देख कर कम्प्लीट कर लीजिए। जितना समझ आ रहा है उतना समझने की कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच।